वेलकम इन माय क्लास। वी आर स्टडिंग इन चैप्टर फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन क्लास फिफ्थ के अंदर, मल्टीप्लाईज एंड फैक्टर्स। देखो अपन इससे पहले मल्टीप्लेक्शन के बारे में स्टडी कर चुके, तो मल्टीप्लेक्शन क्या होता है अपन ने देखा था कि दो नंबर्स, जैसे अपन ने टू नंबर लिए वन एंड ए एंड बी, इन टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है ना वो ही क्या होता है मल्टीप्लाईज। यहाँ पे क्या है कि टू नंबर्स अपन ने को टू नंबर्स दे रखे हैं वन एंड ए एंड बी, उन नंबर्स का अपन जो प्रोडक्ट्स अपन को रिसीव होता है वो क्या होता है मल्टीप्लाईज। लाइक जैसे टू मल्टीप्लाई फोर सिक्स, सिक्स इज मल्टीप्लाईज, सिक्स इज मल्टीप्लाईज फोर अपॉन सिक्स ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर इज मल्टीप्लाईज। ऐसे अपन इस नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ अपन जिस चैप्टर के बारे में यही पढ़ेंगे कि टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट रिसीव होता है वो कैसे अपन उसका और क्या यूज कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाईज अपन रिसीव करते हैं, ये सारा अपन इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। एक फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर क्या होता है, ठीक है। अपन पहले स्टडी करते हैं मल्टीप्लाईज के बारे में। देखो अपन मल्टीप्लाईज का सबसे पहला एग्जांपल, जो फर्स्ट एग्जांपल है सारे बच्चे जानते हैं। आपको पता है अपन है ना क्लास नर्सरी से अपन एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, अपन टेबल्स पढ़ते हैं, जैसे टू की टेबल्स, थ्री की टेबल्स, फोर की टेबल्स, अपन टेबल्स को हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। ये जो चीजें होती है वही क्या होती है एक तरह से, वो फैक्ट वो एक तरह से मल्टीप्लाईज ही होते हैं। कैसे देखो अपन क्या पढ़ते हैं, जैसे टू की टेबल अपन कैसे पढ़ते हैं, टू वन जा टू, यानी टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या रिसीव हो रहा है टू। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं वन और ये ए और बी नंबर है, उनको अपने मल्टीप्लाई किया तो अपने पास जो प्रोडक्ट आया ये क्या हो गया, ये इसका मल्टीप्लाईज है। जैसे टू टू जा, अब अगर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन और टू टेन जा ट्वेंटी। अब अपन ने यहां पे क्या चीज देखी कि टू को सिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पे ए तो सेम रह रहा है लेकिन बी को अपन चेंज करते जा रहे हैं, तो चेंज कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट भी देखो चेंज होता जा रहा है। ये नहीं है अपने से वन से मल्टीप्लाई किया तो टू आया, टू से किया तो क्या आया फोर आया, टू को थ्री से किया तो क्या आया सिक्स, यानी ए को अपन ने सेम रखा और बी को अपन चेंज करते गए, इससे अपने पास जो प्रोडक्ट रिसीव हो भी क्या हो गया डिफरेंट हो गया, है ना। तो ये जो चीजें अपन पढ़ते आ रहे थे एक तरह से ये मल्टीप्लाईज का ही एग्जांपल है, यानी जो टेबल्स अपन पढ़ते हैं वो एक तरह से क्या होती है मल्टीप्लाई का ही एग्जांपल है। अब देखो आपकी बुक के अंदर जैसे ये टू की टेबल दे रखी है, ऐसे अपन फाइव की टेबल लिख सकते हैं, किसकी लिख सकते हैं एट की भी लिख सकते हैं, ये सारा क्या होता है मल्टीप्लाईज का ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, देखो आपका एग्जांपल फर्स्ट दे रखा है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं अपन, है ना। देखो आपके बुक्स के अंदर आपको दे रखा है एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है कि आपको टू की टेबल डालनी है, फाइव की टेबल लिखनी है और एट की टेबल लिखनी है, ठीक है। इसमें जैसे अपन लिखेंगे टू वन जा टू, ऐसे अपन ने जैसे मैं थोड़ी देर पहले लिखी थी वैसे, ऐसे आपको फाइव की टेबल राइट करनी है, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, ये आपको कंप्लीट करनी है। ऐसे एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, एट थ्री जा सॉरी एट टू जा ट्वेंटी फोर, एट फोर जा थर्टी टू, ऐसे ये टेबल भी आपको कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको टेबल्स का दिया हुआ है, उसके अंदर आपको टेबल वन और टेबल टू फाइव और एट की टेबल आपको यहां पे राइट करनी, है ना। अब आपका जो चैप्टर है यहां पे आपको पढ़ना क्या है वो कि अगर कोई भी दो नंबर टू नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो इससे जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो दोनों को मल्टीप्लाई करें उनको प्रोडक्ट करें तो अपने पास जो प्रोडक्ट रिसीव होता है वही क्या होता है मल्टीप्लाईज। बस आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे आपको टेबल के थ्रू यही समझाया गया है कि अगर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 24 आएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। ये एग्जाम्पल आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर टू। देखो मैं आपको क्या है
ये चीजें मल्टीप्लाई वाला जो चैप्टर उसमें ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं ना। मैं केवल आपको बुक्स के अकॉर्डिंग ही इनको सॉल्व करना बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर टू है ना, उसके अंदर अपन को क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर टू में आपको क्या दिया, मेक द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। इसके अलावा अब इसके अंदर आपको कुछ टेबल्स राइट करनी है, 7 की टेबल राइट करनी है आपको, 13 की टेबल राइट करनी है, 18 की टेबल राइट करनी है एंड 16 की टेबल राइट करनी है। ये आपका होमवर्क है, ये आप क्लास ऐसे मान लो कि ये आपका होमवर्क है। आपको 7, 13 यहाँ पे दिए हुए, ये तो उन्होंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है। मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि आपको 2 से लेके 20 तक टेबल राइट करनी है, ठीक है, 2 से लेके 20 तक टेबल राइट करनी है। और राइट कैसे करनी है, आपको राइट ऐसे करनी है कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मतलब आपको ये बताना है कि दो नंबर्स का अगर अपन प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या क्या रिसीव होता है। आपको इस तरह से ये मल्टीप्लाई करके टेबल राइट करनी है ना, और लर्न भी करनी है 20 तक। ओके नेक्स्ट देखो, अब इससे अपन को कुछ चीजें, अब देखो यहां, अब इससे क्या हुआ भाई, आपको भी सर ये तो हम नर्सिंग से लर्न करते आ रहे हैं, इससे हमें क्या पता चला, इससे क्या मतलब है, इसका कोई यूज तो होगा भाई। आपने कहा कि प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लो, अगर हमने कर भी लिया तो क्या होगा, देखो इससे कुछ चीजें आपको पता चलेगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको 2 की टेबल लिख रहा हूँ, 2 1 जा 2, आप ध्यान से देखना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। देखो सबसे पहली चीज तो आपको क्या ध्यान पड़ेगी, पहली चीज सबसे पहले अपन को यहां से पता चलेगी क्या, कि आप किसी भी नंबर को, आप किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम नंबर रिसीव होगा। यानी आपने अगर 5 को 1 से किया तो भी अपने को रिसीव क्या होगा, 5। 6 को 1 से किया तो भी क्या रिसीव होगा, 6। 7 को 1 से किया तो भी क्या रिसीव होगा, 7। कहने का मतलब आपने अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो आपके पास सेम नंबर, यानी जो नंबर से आप मल्टीप्लाई करें वही नंबर आपको रिसीव हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या है, सेकेंड ये है कि अपन मल्टीप्लाई वाले टेबल से निकाल रहे हैं, एक अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या कर देगा, अपन ये मल्टीप्लाई वाले में पढ़ा था ना, अगर आपने किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो, ये चीजें सारी आपने मतलब जो चैप्टर थर्ड था ना अपना मल्टीप्लिकेशन, उसमें अपन ने ये स्टडी किया है। मैं केवल आपको रिवाइंड कर रहा हूं कि अगर किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर रिसीव होगा, अगर किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। यानी कहने का मतलब 0 से अगर आपने किसी भी नंबर को प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो नंबर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। आप 100 को 0 से कन्वर्ट करोगे तो भी 0 आंसर आएगा, आप 200 को 0 से कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आंसर आएगा। फर्स्ट थिंग तो क्या थी, देखो मैंने अभी तक आपको अपन ने दो चीज सीखी, फर्स्ट चीज अपन ने देखा कि अगर अपन ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर रिसीव हो रहा है, और 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने पास 0 रिसीव हो रहा है। थर्ड क्या है, अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो इसके अंदर कंडीशन क्या होगी पता है क्या, इसके अंदर ये होगा कि जो नंबर्स आपको रिसीव होंगे ना, वो या तो उस नंबर के इक्वल होंगे या उससे ग्रेटर होंगे। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने आपने से कभी भी आप नोट करके देखना, आपने मल्टीप्लाई किया है ना, बस केवल 0 को छोड़ दो, 0 को छोड़ के आपने अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, किसी भी नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया है, तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, या तो उसके इक्वल नंबर आएगा वरना उससे अब ग्रेटर नंबर आएगा। देखो जैसे अगर अपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2। ये 2 के क्या है, इक्वल है। और अब इसके अलावा 1 के अलावा आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 0 को छोड़ के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 से किया, 3 से किया, 4 से, किसी से भी कर लो, तो जो नंबर रिसीव हो रहे, देखो 4 6 8 10 12 14, ये सारे 2 से क्या है, ग्रेटर नंबर। तो ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि आप थर्ड आपको ध्यान रखना है कि ये आपको पूछा जाता है बहुत बार कि मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर रिसीव होते हैं वो क्या होते हैं। मल्टीप्लाई में अगर अपन ने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर या तो उसके इक्वल हो सकता है या उससे ग्रेटर होगा, कभी भी उससे स्मॉल नंबर रिसीव नहीं होगा, कभी भी उससे स्मॉल नंबर रिसीव नहीं होगा। एंड एक चीज और है, 4 क्या है कि आप किसी भी नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप
इसका कोई एंड नहीं है। कहने का मतलब मैंने अगर 2 से यहां तक, जैसे अपन एक टेबल के लिए अपन ने फिक्स कर लिया कि 10 तक अपन ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जरूरी थोड़ी थे अपन 2 को 10 से ही मल्टीप्लाई करें। मैं 2 को ना 16 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं 2 को 100 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं 2 को 1500 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं। कहने का मतलब क्या है कि ये कोई एंड नहीं है कि आपने सोच लिया कि 2 से लेके अपन 10 तक ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 10 तक नहीं, आप इस नंबर को किसी भी नंबर से और कहीं तक भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी नंबर को, इस नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेन चीज जो ध्यान रखने वाली क्या है, अपने 4 चीजें अपनी यहां से सीखी मल्टीप्लाई वाले में। फर्स्ट क्या थी कि आपने अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो 1 से तो वही नंबर प्राप्त होता है, 0 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को क्या रिसीव होगा, 0 रिसीव होगा। अगर अपन ने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो आप इसमें पढ़ा था कि या तो इसके नंबर इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा, कभी भी स्मॉल नंबर रिसीव नहीं होगा। अब फोर्थ चीज अपन ने ये पढ़ी थी कि ये जो मल्टीप्लाई होता है ना, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कहां किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी कितने भी नंबर कैसे भी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें अपन ने इसके अंदर पढ़ी। अब देखो इसके आगे नेक्स्ट आपको दे रखा है एग्जाम्पल, अपन थोड़ा सा इनको पढ़ते जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, समझ में आ गया आपको, चलो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में आपको क्या बोल रखा है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये समझा जा रहा हूं। देखो, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई ऑफ 12। आपको क्या कहा गया है कि आपको 12 के फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई आपको बताने हैं। अब फर्स्ट मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि आप फर्स्ट 1 से स्टार्ट करो और उसे 1, 2, 3, 4, 5 तक मल्टीप्लाई करो, तो ये इसके क्या हो गए, फर्स्ट मल्टीप्लाई हो गए। तो जैसे मैंने क्या लिखा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60। देखो, तो ये अगर अपन कोई पूछे कि 12 के फर्स्ट 5 मल्टीप्लाईज क्या होंगे, तो आप क्या बोलोगे कि 12 के फर्स्ट 5 मल्टीप्लाईज क्या होंगे, तो 2 को 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 12। देखो, अपन ने बोला वही कंडीशन सी, पहली बात 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर आता है, और अपन ने ये भी बोला था ना कि ये नंबर या तो इससे इक्वल हो सकता है इसके, है ना, या इससे क्या होंगे, इसके बाकी के नंबर इससे क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। कहने का मतलब या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होंगे, इससे स्मॉल नंबर नहीं होंगे। और 5 मल्टीप्लाई पूछे तो अपन ये 12 के 5 मल्टीप्लाई हो गए। नेक्स्ट देखो, आपके अंदर दे रखा है डू योरसेल्फ, उसमें एग्जांपल 4 दे रखा है। क्या दे रखा है, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड 6। देखो, आपको बोला गया है, एग्जांपल है 4। एग्जांपल 4 में आपको बोला गया है कि आपको 3 एंड 4 के फर्स्ट 5 मल्टीप्लाईज बताने हैं। तो फर्स्ट 5 मल्टीप्लाईज फर्स्ट से करेंगे तो क्या होगा, 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। ऐसे ही 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20। अपन ने क्या कहा, एग्जाम्पल 4 में अपन को बोला गया कि आप 3 एंड 4 के फर्स्ट 5 मल्टीप्लाईज बताओ, तो अपन ने इसके फर्स्ट 5 मल्टीप्लाईज शो कर दिए। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा है मुझे, एग्जाम्पल नंबर 5 मुझे क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, चेक वेदर 4222 इज ए मल्टीप्लाई ऑफ 36 और नॉट। आपसे क्वेश्चन किया गया है, आपको ये बताना है कि 4222 वो क्या है, 36 का मल्टीप्लाई है या नहीं है। देखो, ये चीज जब भी आपको चेक करनी हो कि ये इसका मल्टीप्लाई है या नहीं है, आपको क्या करना है, जो बड़े वाले नंबर में स्मॉल नंबर से आप उसको डिवाइड कर देना। अगर उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद में अगर उसका रिमाइंडर 0 आए ना, इसका मतलब वो उसका नंबर मल्टीप्लाई है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका वो मल्टीप्लाई नहीं है। अब देखो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैंने लिखा 12 है, अब मैं पूछूं कि 12 4 से डिवाइड होता है क्या कंप्लीटली, या आपको चेक करना है, तो आप कैसे करोगे कि 12 में आप 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, आपने बोला 3 12, ये लो लास्ट में क्या बचा 0, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि ये 12 4
से कंप्लीटली डिवाइडेड होता है। और आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 को 4, 3 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। तो ऐसे ही आप बड़ी वाले नंबर में स्मॉल नंबर से डिवाइड करना, अगर ये कंप्लीटली चला जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, इसका मतलब कंप्लीट लास्ट में जो एंड में आपके पास जीरो रिमाइंडर रहे ना, तब तो ये कंप्लीट इसको डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। चेक करते हैं, देखो 36 इससे मल्टीवाइड करेंगे अपन, है ना, वन टाइम गया यहाँ वन, ये लो 36 बचा क्या भाई अपने पास, यहां से अपन ने रखा 12 में से 6 गया तो क्या बच गया 6, ये 0, 6 में जाता नहीं तो 2 यहां रख दिए, वन टाइम यहां गया तो मैंने वापस 36 लिख दिए, फिर देखो यहां पे क्या बचा 12, 6 यहां पे 5, 5 में से 3 गया तो क्या बचा 2, 2 के लिए यहां पे ये लगा दिया। अब मैंने इसको 36 को इसे डिवाइड किया, मैंने 36 को लगभग 8 टाइम किया, इसका मतलब क्या 8 टाइम तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 टाइम, मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 252, ये 252 आ गया, अपने डिवाइड किया क्या है 0, 1। अब देखो यहां पे कोई नंबर है नहीं, अपने पास यहां आ गया 7, अब मेरे पास यहां कोई नंबर बचा नहीं है तो मैं इसे आगे इसको करूं कैरी करके यहां ले आऊं और इसको डिवाइड कर दूं, यानी कहने का मतलब लास्ट में मेरे पास कितने रिमाइंडर रह गया 10। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर्स है ना वो 36 से कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है। अपन को ये बोला था चेक वेदर द 4220 इज ए मल्टीप्लाई ऑफ 36, ये 36 का मल्टीप्लाई है या नहीं है, तो अपन क्या कहेंगे आंसर क्या आएगा नो, कि ये 36 का मल्टीप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है, अपन ने इसका प्रोसेस बता देंगे कि देखो मैंने हमने इसको डिवाइड करके देखा, डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसका रिमाइंडर क्या बचा 10, और रिमाइंडर अगर इसके अंदर कुछ रह रहा है, अगर यहाँ पे 0 आता तो ये कंप्लीटली डिवाइडेड होता, इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लाई है, अदरवाइज इसका मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, अब इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।